फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा नाम खुशी है, मैं सीमा। तो फिर से आ गए नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही फनी वीडियो है और कुछ अलग ही है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलेंगे वीडियो के अंत में। टीवी सीरियल्स की दुनिया में ना तो कोई साइंस चलता है और ना कोई लॉजिक। सारे सीरियल्स की स्टोरी लगभग एक जैसी रहती है। एक बड़ा परिवार और उसमें ढेर सारी सास और बहुएं, और बहुएं भी ये बहुत चुन के लाते हैं। जो लैपटॉप गंदा हो जाए तो उसको बर्तन के जैसे धो दे, और अगर लैपटॉप में वायरस पता लगे तो एक बोतल फिनाइल की डाल दे। ये 99% वायरस का खात्मा कर देता है। इतनी पढ़ी लिखी बहू ये लाते कहाँ से हैं? किताब खोलो, किताब खोलो, पढ़ो। सास ने बहू को बड़ी रोटी बनाने के लिए बोला तो देखिए कितनी बड़ी रोटी बना लाई। बड़ी रोटी बनाती है। ओके सास माँ, क्या इतनी बड़ी रोटी? ठीक है माँ, मैं इससे भी बड़ी रोटी बनाकर लाती। अरे बस कर बहन, बड़ी रोटी बनाने का कंपटीशन थोड़े ना चल रहा है। सास ने नाराज होकर बहू को पेड़ से बांध दिया, लेकिन लड़की भी शक्तिमान की बहन थी, इसने रस्सी समेत पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ दिया। अगर आप सोच रहे हैं कि बहू रानी के पास ऐसी चमत्कारी शक्तियाँ कैसे आई, तो ये संभव हो पाया देवी मोनालिसा की भक्ति करने के बाद। अरे 33 करोड़ देवी देवता कम पड़ गए थे कि तुमको मोनालिसा की पेंटिंग की पूजा करनी पड़ रही है। टीवी सीरियल्स की ये बहुएं भगवान हो या यमराज, किसी से भी आसानी से बात कर सकती हैं। चुप करके हमारे जीवन के कोई मायने नहीं है। पारो, हम शंकर से तुम्हारी कुछ क्षण के लिए भेंट करवा सकते हैं। तुम आखिरी बार शंकर से मिल सकती। अरे आखिरी बार मिलकर कर क्या लेगी वो? यमराज भी कॉर्पोरेट एचआर की तरह डेड बॉडी का एग्जिट इंटरव्यू कर रहा है। इस सीन में सीलिंग फैन गिरने वाला था। अरे मूर्खो, जब दिख रहा है सीलिंग फैन गिरने वाला है तो दूसरी तरफ क्यों नहीं खड़े हो जाते? लेकिन ये हटेंगे नहीं, क्योंकि इनको बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेंगे। जाते जाते ये तो बता देते कि सीलिंग फैन से सुदर्शन चक्र कैसे बनाते हैं। सास ने बहू को जरा सा थप्पड़ के मारा, लड़की ने पृथ्वी के 4 चक्कर काट दिए और फिर खुद ही पर्दे को लपेटकर फांसी लगा रही है। इस सीन में नानी के नकली दांतों का सेट कहीं खो जाता है। पता नहीं माँ के दांत कहाँ चले गए। तो देखिए कैसे इनकी जबान ही बदल जाती है। जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी तब तक मेरे दांत नहीं मिटे। अरे अम्मा जी, मुंह से सुपारी तो निकालो। अरे बिना दांतों के कोई तोते की तरह थोड़ा ना बोलने लगता है। बीबी को दूध पीना पसंद था, लेकिन पति ने जब बीबी को चोरी छुपे दूध पीते देख लिया तो ये महाराज उसके लिए 1 बाल्टी भरकर दूध ले आया। अरे बीबी को दूध पिलाना चाहते हो या फिर भैंस को नहलाना? और ये लड़की भी कम पागल नहीं है। अरे फ्रिज के अंदर बंद होकर कौन दूध पीता है? आप तो जाते ही ना, मैं दूध कितना पसंद है। अब पेट के अंदर कुल्फी जमाएगी क्या? पागलपन की हद तो तब हो गई जब टीवी सीरियल वालों ने इस लड़की की रोड में ही प्लास्टिक सर्जरी कर डाली। मेले में मिलने वाले इस बंदर छाप मुखौटे को लगाकर इन्होंने सामने वाली लड़की की डुप्लीकेट बना दी। सरप्राइज होने का इन्होंने क्या मस्त नाटक किया है। मुर्गी और चूहे पकड़ने वाले ट्रैप तो आपने पक्का यूज करे होंगे। अब देखिए लड़की पकड़ने का ट्रैप। इस लड़की की आंख में कुछ गिर क्या गया, इसको दिखना ही बंद हो गया। सामने किसी ने बैग खोल के रखा था जिसमें इसका पैर टकराता है और ये बेहोश होकर एकदम सही शेप में बैग के अंदर फिट हो जाती है। बैग की चैन अपने आप बंद हो जाती है और फाइनली ये बंदा लड़की लेकर चला जाता है। कुदरत का करिश्मा तो देखिए, यहाँ लड़के का पैर फिसला तो उसकी उंगली सीधे सिंदूर की डिब्बी के अंदर जाके घुसी और फाइनली इसने सिंदूर भरी उंगली सीधे लड़की की मांग में जाके टिका ली। लो जी, हो गई एक्सीडेंटल शादी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। इस सीरियल में लड़की ने अपनी शादी के लिए स्वयंवर रखा है। स्वयंवर रखा, जो भी जीतेगा मैं उससे निकाह करूंगी। इस स्वयंवर में कौन हिस्सा लेगा उसकी लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है और उसमें आपका नाम नहीं है। अरे कौन सी मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन किया है बहन? लास्ट कट ऑफ कितनी थी? अरे कुछ तो बताओ।
देखिए शादी करने के लिए क्या शर्त रखी है। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। मतलब चांद को जमीन पे लाना पड़ेगा, ये कैसे मुमकिन है? अरे चाची कानपुर में हड़ताल है क्या? उसने साफ बोला है चांद का टुकड़ा लाना है, पूरा चांद नहीं। और कमाल तो देखिए ये लड़का कौन सी टेक्निक से चांद को नीचे खींच रहा है। अरे भाई ये चांद है, कोई लटका हुआ आम नहीं जो खींच के नीचे आ जाएगा। लड़का जब रस्सी से चांद को नहीं खींच पाया तो निकल पड़ा अपनी कार से चांद को पकड़ने। अरे ये कार है या चंद्रयान? और नीचे खड़े लोग ऐसे टकटकी लगाए देख रहे हैं मानो लाखों मील दूर इन्हें आसानी से दिख रहा हो। रोजी 5 मिनट में लड़का चांद के पास पहुंच गया। कार का इंजन बंद है और टायर भी नहीं घूम रहे हैं, फिर भी कार मस्त हवा में उड़ रही है। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है, ये टीवी सीरियल है या फिर वीडियो गेम? लड़का मोती चूर के लड्डू की तरह चांद के टुकड़े टुकड़े कर देता है और सारे टुकड़े उन्हीं के घर के सामने गिरते हैं। मुहतरमा की ओवर एक्टिंग तो देखिए, अरे चांद का टुकड़ा तोड़ा है, गणपति की दही मटकी नहीं। नासा वाले ये वीडियो देख लें तो कल से काम करना बंद कर देंगे। यहाँ सब लोग पतंगबाजी का खेल खेल रहे थे, अचानक ये लड़की ऐसा क्या पेच मारती है कि इतने हट्टे कट्टे इंसान को छत से नीचे पटक देती है। और इसकी बीवी भी किसी सुपरमैन से कम नहीं थी। लड़के को बचाने के लिए लड़की ने किसी सुपर जेट की जैसे उड़ान भर दी। फिर भगवान जाने ये दोनों कैसे उस पतंग से लटक जाते हैं जिसे कभी ये खुद आसमान के ऊपर उड़ा रहे थे। और ये तो स्वयं ब्रह्मा ही बता सकते हैं कि चार आने की ये पतंग अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई जो दो लोगों को उड़ा के ले जा रही है। और इस पतले से धागे की मजबूती तो देखिए, जिसे पकड़ कर पूरी फैमिली इन दोनों को उड़ा रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तो हमने अभी तक बात ही नहीं करी। अरे जब दो हट्टे कट्टे लोगों का वेट पतंग के एक ही साइड में लग रहा है तो पतंग सीधे उड़ कैसे सकती है? जब सास बहुओं की दंत कथाएं खत्म हो गई तो ये लोग सांप सपेरों की दुनिया में चले गए। सारी लड़कियां इन्हें बना डाली। अरे बस करो, कोई नॉर्मल लड़की बची है तुम्हारे गांव में या फिर सारी लड़कियां इच्छाधारी नागिन बन गई हैं? एक के बाद एक नागिन के 6 सीजन हो गए। समझ में नहीं आ रहा नागिन कौन से जन्म का बदला किससे लेना चाहती है। अरे 5 साल में तो FD भी मच्योर हो जाती है, मगर ये नागिने अभी भी बच्चों की तरह कुश्तियाँ लड़ रही है। और इन नागिनों का बस एक ही काम है, लहराती हुई मोटी चोटी लेकर यहाँ वहाँ भटक के लोगों को डसते रहना। ये दुनिया की पहली नागिन होगी जिसे फेस पैक लगाने की जरूरत पड़ रही है। अरे किस नेवले को इम्प्रेस करने चली हो बहन, और नागिनों वाले फेस पैक मिलते कहाँ है? कोई भी अचानक कुछ भी बन जा रहा है। अच्छी खासी लड़की अचानक हाथ उठाकर नागिन बन गई, और ये लड़की बनी है चमगादड़। लड़के यहाँ कभी नेवले तो कभी पंख लगाए बाज बन जा रहे हैं। सबके हाथ में लेटेस्ट आईफोन है, फिर भी न जाने कौन से जमाने में जी रहे हैं। अब ये जलपरी कहाँ से आ गई? लहराती हुई चोटी के हिसाब से तो इसे नागिन होना चाहिए था। अरे बड़ा कंफ्यूजन है भाई। और इस जलपरी का तो एक जल बच्चा भी है। बच्चे से याद आया, इनका तो बच्चा पैदा करने का प्रोसेस ही अलग है। इनके यहाँ औरतें बच्चे नहीं तरबूज पैदा करती हैं। ये क्या है? ये कैसा हो सकता? और फिर तरबूज से बच्चा निकलता है। हे भगवान, मेरा तो मेडिकल साइंस से भरोसा ही उड़ गया। आज के ओवर टाइम डोज में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जाते जाते सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो फ्रेंड्स, हमने वीडियो देखा, वीडियो बहुत ही अच्छा लगा और कितना फनी था यार। पतंग में लटक जाते हैं, मुझे तो ये ज्यादा सब कुछ तो चलो ठीक था, पर वो जो चांद को रस्सी में ऐसे लगता है कोई खिलौना उसे बस खींच के ऐसे नहीं हुआ, तोड़ गया, कार से चले गए, तोड़ भी दिया, टुकड़ा भी गया नीचे, फिर भी और सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे ऊपर देख ले रहे। ऐसा सब कुछ होता है फिर भी लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं सीरियल देखना, सब बकवास रहता है यार। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।